सही ब्लड कलेक्शन कैसे करें? आज के सवाल। ब्लड टेस्ट से पहले मुझे क्या करना चाहिए? इंजेक्शन की सुई हड्डी से टकराने से क्या होता है? हड्डी में इंजेक्शन लगने से क्या होता है? ब्लड टेस्ट से कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है? तो लेते हैं विस्तार से जानकारी। रक्त संग्रह एक महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसके लिए उचित तकनीक और सावधानियां बरतना आवश्यक है। यह प्रक्रिया एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा ही की जानी चाहिए। रक्त संग्रह से पहले रोगी को शांत और आरामदायक होना चाहिए। रक्त संग्रह के बाद रोगी को हाइड्रेटेड रहना चाहिए और थोड़ी देर आराम करना चाहिए। ब्लड कलेक्शन को क्या सामग्री लगेगी? ब्लड कलेक्शन ट्यूब, टर्निकेट, सुई, एंटीसेप्टिक, रुई का बॉल, बैंडेज, दस्ताने। अब जानते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले हाथ धोएं। रोगी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता दोनों को अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। रोगी की पहचान करें। रोगी की पहचान सत्यापित करें। साइट का चयन। रक्त संग्रह के लिए एक उपयुक्त नस का चयन करें। आमतौर पर बांह की नस का उपयोग किया जाता है। टूर्निकेट लगाएं। नस के ऊपर टूर्निकेट लगाएं और रक्त प्रवाह को रोकें। क्षेत्र को साफ करें। एंटीसेप्टिक से नस के आसपास के क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ करें। स्पिरिट स्वाब से सुई डालें। नस में सुई डालें। रक्त इकट्ठा करें। रक्त को ब्लड कलेक्शन ट्यूब में इकट्ठा करें। टेस्ट के हिसाब से और उसे हिलाना मत भूलें। सुई निकालें। सुई निकालें और रुई के बॉल से दबाव डालकर रक्तस्राव को रोकें। क्या आप जानते हैं सुई हड्डी से टकराने से क्या होता है? तो चलिए जानते हैं। एक सुई जो बहुत लंबी है, वह हड्डी से टकराकर डेल्टॉइड मांसपेशी में प्रवेश कर सकती है। हालांकि मरीजों को अपनी हड्डियों पर आघात महसूस नहीं होगा, लेकिन टीका पूरी तरह से मांसपेशियों में अवशोषित नहीं हो पाएगा, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कम हो जाएगी। तो आते हैं वापस और ब्लड कलेक्शन को जानते हैं। बैंडेज लगाएं। बैंडेज लगाकर घाव को ढकें। ट्यूब को लेबल करें। रोगी की जानकारी के साथ ब्लड कलेक्शन ट्यूब को लेबल करें। रोगी को आराम दें। रोगी को थोड़ी देर आराम करने दें। सावधानियां। रोगी को किसी भी एलर्जी के बारे में पूछें। रोगी को रक्त संग्रह से पहले खाने पीने की सलाह दें। सुई को नस में डालते समय सावधानी बरतें। रक्त संग्रह के दौरान रोगी को शांत रहने के लिए कहें। रक्त संग्रह के बाद रोगी को हाइड्रेटेड रहने के लिए प्रोत्साहित करें। क्या रक्त परीक्षण के बाद चक्कर आना सामान्य है? परीक्षण के दौरान केवल थोड़ी मात्रा में रक्त लिया जाता है, इसलिए आपको इसके बाद कोई महत्वपूर्ण प्रभाव महसूस नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को परीक्षण के दौरान और बाद में चक्कर और बेहोशी महसूस होती है। यदि आपके साथ पहले ऐसा हुआ है तो परीक्षण करने वाले व्यक्ति को बताएं, ताकि वे जागरूक रहें और आपको अधिक आरामदायक महसूस कराने में मदद कर सकें। सवाल दो। ब्लड टेस्ट से पहले मुझे क्या करना चाहिए? उदाहरण के लिए, आपको रक्त परीक्षण से 12 घंटे पहले तक खाने या पीने, पानी को छोड़कर, से बचने के लिए कहा जा सकता है। इसे उपवास रक्त परीक्षण के रूप में जाना जाता है। आपको परीक्षण से पहले शराब न पीने या धूम्रपान न करने के लिए भी कहा जा सकता है। कुछ मामलों में आपको एक निश्चित दवा लेना बंद करने के लिए कहा जा सकता है। सवाल तीन। ब्लड टेस्ट से कौन कौन सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है? इस टेस्ट से डायबिटीज, किडनी, हार्मोन असंतुलन के अलावा सिरोसिस, कैंसर, लिवर डैमेज, बाइल ब्लॉकेज, गॉलस्टोन, हेपेटाइटिस, पेजेट डिजीज, कुछ हार्ट कंडीशन, गिलबर्ट सिंड्रोम आदि का पता लगाया जाता है। जब किसी को कैंसर होता है तो उसके खून में कैंसर मार्कर वाला प्रोटीन जमा होने लगता है, लेकिन हर केस में ऐसा हो जरूरी नहीं है।